हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की की शादी होने वाली है। अरे यार। और वो भी माता रानी की चौकी। एग्जैक्टली। और यू नो वो नाच गाना वो पंजाबी फील और वो छोले भटूरे और ये सब तो आई थिंक छोले भटूरे के लिए आए हाँ तो दरअसल हाँ बस मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग आज माता रानी की चौकी पे आए और माता भगवान भारती मतलब इतनी स्वीट है खुद की शादी है प्यारी है खुद के फंक्शंस चल रहे हैं 100 काम होते हैं उसमें से बीच बीच में वॉइस नोट भेजते रहना आ रहे हो ना तुम लोग आ रहे हो ना तुम लोग तो हम लोग कैसे नहीं आते कैसे नहीं आते मतलब और भारती मतलब मैं बहन मानता हूँ उसे मेरे दिल के बहुत करीब है तो आई थिंक ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है जेन्युइनली अपने पूरे तहे दिल से चाहता हूँ कि माता रानी उसे और हर्ष को इतना आशीर्वाद दे कि वो अपनी अपनी जिंदगी के आने वाले 7 जन्म इससे ज्यादा खुश रहे और हाँ कितना एंटरटेन हो रहा है एंटरटेनमेंट की अरे मैं कहां मैं मिसिंग यू मैं आप कितना खाना बनाना सीखे हैं मम्मी रसोई में मम्मियों के साथ मैं पूछूं बट मैं आई बी मैं आप लोग उस शो पे मुझे मिस कर ही नहीं रहोगे वैसे ऐसा होती क्योंकि हर एक्ट में मेरी बात तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं और एक नहीं है ना दो दो कमीने हैं ना मतलब मेरी जिंदगी और अब तो 3 कमीने आ गए और ऐसा मतलब पिछले एपिसोड में तो 4 थे तो एक अकेला मैं ही था उस परिवार में से जो नहीं था वहाँ पर बट अच्छा आई एम सो हैप्पी एंड आई एम रियली आई एम हैप्पी फॉर हर इज बिकॉज ये रवि के साथ इसकी जोड़ी है और आई थिंक उसके साथ सिर्फ सीख ही सकती है और सिर्फ आगे ही बढ़ सकती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो इसे मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आशा को जेन्युइनली नहीं आती और मैं जानता हूँ वो नहीं आती और रवि से बेहतर उसको कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं इसकी बात तो सुनती नहीं हूँ मेरी बात तो नहीं सुनती है और रवि की बात बहुत बात ज्यादा सुनती है इनफैक्ट रवि की बात हम सब सुनते हैं वो हमारे ग्रुप का पापा है ये भी सुनता है मैं भी सुनता हूँ मैं डेफिनेटली मैं मानता हूँ वो हमारे पापा हैं वो जेन्युइनली हमारे पापा है वो पिताजी सबका ख्याल रखते हैं तो उन पिताजी ने हमारी इस प्यारी बच्ची का भी ख्याल रखा हुआ है सो दैट्स हाउ इट इज लास्टली मच नीडेड वेकेशन था लेकिन कैसा था अभी उसका एक्सपीरियंस कैसा था आप लोग पोस्ट आप लोग कैसा था एक्सपीरियंस बच्चे बहुत अच्छा था मेरे तो वापस आने का ही मन नहीं हो रहा था अयो बस आप सुन लिया बस इसका मन नहीं कर रहा था वापस मतलब हमारा वेकेशन वाज आउटस्टैंडिंग सो चलिए अब चलते हैं थैंक यू वेरी मच माता रानी आप लोगों को सारे जोर से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी आज सेकेंड सेरेमनी है शादी के पहले मतलब अभी दूसरे ओकेजन में मैं आ गई ये पहली बार आया है तो बैंगल सेरेमनी में भी बहुत ही अच्छा था बहुत ही सुपर्ब था तो आज मैं पहली बार किसी माता की चौकी में आई हूँ शादी के टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फुल्ली रेडी होके आई हूँ माता की चौकी टाइम रेड एंड जड़ी में गोल्ड जो है गोल्ड का जड़ी सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड देखना कि क्या चल रहा है अजी तारीफ दो लफ्जों में कैसे मैं बयां करूं पूरी उम्र निकल जाएगी शायद डेली बोलना पड़ता है इवन जब ये रेडी हुई तब भी मैं जैसे बोला कि अरे तुम तो एकदम मतलब अच्छी लगती हो लेकिन तुम ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो कि इसको बिलीव नहीं होता है अगर मैं बोलूं इसको बिलीव ही नहीं होता है तो फिर मैंने सोचा कि अब कैसे बता सकते हैं तो जब कोई सामने वाला कमेंट्स करे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाए जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों ने बोला कि अच्छा ड्रेस है आप अच्छे दिख रहे हो देन इनको थोड़ा सा वो लगता है बट जब मैं बोलता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो बहुत अच्छा ड्रेस है तो शायद थोड़ा सा कम भरोसा होता है इसको नहीं है मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है बिल्कुल मैं हम दोनों का मतलब हमेशा भी यही डिस्कशन है मुझे तुम्हारे 5 ड्रेसेस पहले बताओ मैं ऐसे बोलती हूँ मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ अभी फाइनल क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब सिलेक्शन चल ही रहा है तो अभी गाड़ी में भी यही बात चल रही थी मुझे बताओ अभी तुम्हारे पास ड्रेसेस कौन कौन से मैं पूछना चाहता हूँ मेरा एक सवाल है सबसे कि भाई आप अपनी चॉइस अपने ऊपर डालो पहनो लेकिन हम लड़की लोगों की एक आज़ादी होती है हम मुझे लगता है कि शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ड्रेसिंग में ज़मीन आसमान का होता है अब इसके हिसाब से अगर मैं पहले बता दूंगा तो मुझे मालूम है ये रेडी नहीं होगी कि नहीं ये नहीं पहनना इसको पहनो तो मैं एट ए टाइम क्या करता हूँ कि अचानक से बोलता हूँ ये डाल दो तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ बताता नहीं हूँ मैंने तो एक रूम मेरा पूरा फुल हो गया है कि सारे अलग अलग करके रखी हूँ उसमें से सिलेक्ट करना है बट अभी मेंटली मैं फाइनल कर ली हूँ मैं भी मेंटली प्रिपेयर हूँ क्या पहनना भारती जी और भारती एंड हर्ष मतलब इतने सालों से ये लोग एक साथ हैं इतना क्यूट सा इन लोगों का कपल है तो डेफिनेटली मैं
यही कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो एक दूसरे को, बहुत ज्यादा खुशियाँ मिले शादी के बाद और सारा कुछ डबल हो, पैसा मिले, खूब मिले, खूब काम मिले, खूब फेम मिले, प्यार बढ़े और जल्दी से हम आंटी अंकल बन जाए। हाँ मुंबई से शुरू हो गई है, बहुत सारी मस्ती। अभी लास्ट फंक्शन में मैं आ नहीं पाया था, अलसफा को अकेले भेजा था, मेरा शूट था, लेकिन आज मैं साथ में आया हूँ तो बहुत सारी मस्ती करने वाले हम लोग, बहुत सारी दुआएं लेने वाले हैं आज, ब्लेसिंग्स लेने वाले हैं और बहुत सारी दुआएं देने वाले हैं, तो मज़ा आएगा। और गोवा में भी बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 3 दिन में क्या क्या करना है, पहले दिन किस तरह के कपड़े पहनने हैं, दूसरे दिन किस तरह के कपड़े पहनने हैं, फिर क्या करना है, सारी तैयारी हो गई है। बस यही कहेंगे कि बस इस तरह से खुश रहो और जैसा अभी हमारा हाल है वैसी वैसी खुशखबरी जल्दी से हमें दे दो, तो क्योंकि एक मियां बीवी में एक ये चीज़ है कि एक बच्चा आ जाता है तो एक अलग बॉन्ड बन जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसकी, जो मैं आज फील कर रहा हूँ। और मैं अपनी बहन भारती को यही दुआएँ दूँगा कि बस जल्दी जल्दी खुशहाल ज़िंदगी जो है और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं कुछ प्लान तो मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं जल्दी जल्दी में आया हूँ तो ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द गोवा में बहुत सारी चीज़ें होंगी और आगे भी जब ये लोग लौटेंगे वहाँ से तब भी बहुत सारी। मैं आई हूँ भारती के दूसरे फंक्शन में टू कॉन्ग्रेचुलेट हर वंस अगेन एंड ऑफकोर्स माता जी का आशीर्वाद लेने, एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आई एम श्योर भारती तो बहुत बिजी होगी बट हर सिस्टर एंड मी वी आर गोइंग टू शेक अ लेग टुगेदर फॉर श्योर। जी बिल्कुल, अभी प्लान तो है बट आई विल बी श्योर अबाउट इट बाई टुमारो। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द इवेंट्स हैपनिंग इन गोवा एंड आई एम श्योर यहाँ पे अभी ये जो इवेंट्स जितने धमाकेदार है उससे ज़्यादा धमाका गोवा में होने वाला है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू गोवा। यस, आई एम वेयरिंग एन इंडो वेस्टर्न आउटफिट, ऊपर जो केप है उसमें थोड़ा सा इंडियन प्रिंट है, आई एम वेयरिंग अ कटरा इन माय हेयर। सो जनरली मैं सलवार कमीज पहनती हूँ और साड़ी पहनती हूँ बट आई जस्ट थॉट आई विल मेक अ चेंज एंड वेयर अ केप विच इज़ इंडो वेस्टर्न एंड आई थॉट दिस आउटफिट इज़ परफेक्ट फॉर द ओकेजन सो आई हैव चोजन दिस। लहरे को 30 ईयर्स हो गए हैं, बेस्ट विशेज टू लहरे।